नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मनमोहन रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी अपने इससे पहले जो वीडियो पढ़ा था, कैलेंडर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कैलेंडर का पूरा वीडियो आपको अपलोड है, प्ले स्टोर में जाके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब आज से स्टार्ट कर रहे हैं आकृति गिनना, जिसमें आकृति में पहले त्रिभुज पढ़ा चुके हैं, पूरे त्रिभुज जो है वो कम्प्लीट कर चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे अपन वर्ग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ग। देखिएगा, वर्ग जिसे स्क्वायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्क्वायर। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वर्ग कैसे याद करें। जैसे किसी बच्चे के दिमाग में सब वर्ग किसे कहते हैं, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है? वर्ग। जैसे ये लिया मैंने, ये भी पाँच है, ये भी पाँच है, ये भी पाँच है, ये भी पाँच है, इसे क्या कहते हैं? वर्ग। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजा क्या होती है? समान। क्या कहलाता है? वर्ग। अब देखिएगा, अब इन्हें एक एक करके गिने या जो भी कुछ करें तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। जैसे ये क्वेश्चन लिया मैंने, इसको अपन को गिनना है तो क्या करें? वर्ग में क्या होता है, या तो वर्ग एक बनेगा या वर्ग चार से मिलकर बनेगा। या तो वर्ग एक बनेगा या वर्ग कितने से मिलकर बनेगा? चार से। जैसे एक, दो, तीन और चार, और इन चारों से मिलकर एक ये बन जाएगा, तो टोटल वर्ग कितना बाहर निकल जाएगा? पांच वर्ग बाहर निकल जाएगा। कितना वर्ग बाहर निकल जाएगा? पांच। अब एक मैं ट्रिक बना रहा हूँ, ध्यान रखना। एक वर्गाकार आकृति प्लस के निशान पे काटे तो हमेशा ध्यान रखना कितने वर्ग बाहर निकलते हैं? पांच। कितने वर्ग बाहर निकलते हैं? पांच। एक बार फिर सुन लो, वर्ग गिनने का तरीका क्या है? एक, दो, तीन और चार, या तो सिंगल बनेगा या चार से मिलकर बनेगा। तो यहाँ वर्गाकार आकृति से कितने वर्ग बाहर निकल के आएंगे भाई? पांच वर्ग बाहर के निकल के आएंगे। कितने बाहर निकल के आएंगे? पांच। अगर इसी आकृति को मैं ऐसे सॉल्व करूं तो ये ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप। देखिएगा, वर्ग का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पे एक और दो, एक और दो, यानी एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर, एक का एक होगा, दो का चार होगा, टोटल बेटा कितना हो जाएगा? पाँच हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पाँच। कंडीशन ध्यान रखना, इधर भी दो हो और इधर भी दो हो तो ही ये स्क्वायर हो सकता है। जैसे और एक आकृति मैं आपके सामने बना देता हूँ, चीज़ें क्लियर हो जाएगी, डाउट क्लियर हो जाएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ये देखिएगा, एक, दो और तीन, दो और तीन, देखिएगा एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, एक का एक, दो का चार, तीन का नौ, टोटल हो जाएगा नौ और चार तेरह, एक चौदह वर्ग। कितना वर्ग हो जाएगा? चौदह। लेकिन कंडीशन थी इधर भी क्या था? तीन। इधर भी क्या था? तीन था, तो ही हम ऐसे कर रहे थे। लेकिन मान लो यही क्वेश्चन अलग तरीके से आ जाए, यानी कि मैं ऐसे कहूँ आपसे कि ये सवाल ऐसे आ जाए भाई, ये सवाल को ऐसे में प्रदर्शित कर दीजिएगा, मैं ऐसे कर दूँ इसको, ये वाला एक, दो, तीन, चार और पाँच, दो, तीन और चार, इधर भैया चार है, इधर पाँच है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में क्या करेंगे भाई? वर्ग तो समान अंकों के लिए होता है। तो बेटा जब ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इधर से पाँच उठा लीजिए, इधर से चार उठा लीजिए, इधर मैंने पाँच ले लिया, इधर चार ले लिया, जब तक गुणा करना है चाहे तो दाएं चाहे बाएं, क्या ना आ जाए? एक, तब जाके रुकना है, अन्यथा चलते ही जाना है। तो पाँच से छोटा क्या होगा? चार। चार से छोटा तीन, चार से छोटा तीन, तीन से छोटा दो, तीन से छोटा दो, दो से छोटा एक, आगे जाएंगे तो जीरो आ जाएगा। तो देखिएगा, पाँच चौकू बीस, चार दिया का बारह, तीन दुनी का छः, दो एकम दो, टोटल करूँगा तो कितना आ जाएगा? चालीस आ जाएगा। कितने वर्ग बाहर आ जाएंगे भाई? चालीस वर्ग बाहर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? चालीस। वापस समझ लीजिए, इधर से क्या उठाना है? पाँच। इधर से क्या उठाना है? चार। कब तक गुना करना है? जब तक दाएं बाएं क्या ना आ जाए? जीरो। देखिएगा और देख लीजिए आपके सामने, और प्रैक्टिस कर लेती हैं कुछ चीज़ों को। एक, दो, तीन और चार, दो तीन, इधर से क्या लेना है?
इधर से क्या लेना है, चार, तो चार गुना तीन, तीन गुना दो, दो गुना एक, चार तिया का 12, दो तिया का 6, दो एकम 2, टोटल कितने वर्ग बाहर निकल के आए भाई, 20, कितने बाहर निकल के आए 20। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कुछ बच्चे के सर इसमें अप्लाई करेगा, अरे सब में अप्लाई होगा ये वाला तरीका, सबके लिए अलेवल है। ये आपने 3 लिया, इधर से भी 3 लिया, 3 गुणा 3, 2 गुणा 2, 1 गुणा 1, 3 तिया का 9, 2 दुनी का 4, 1 यहाँ 14 आ जाएगा। यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से 2 लिया, यहाँ से भी 2 लिया, 2 गुणा 2, 1 गुणा 1, 2 दुनी का 4, 1 एकम 1, कितना वर्ग भार आ जाएगा, 5। आपको ध्यान रखना है अंतिम अंक को अंतिम अंक से गुना करना है, गुना जब तक करना है जब तक कि दाएं बाएं एक ना आ जाए, दाएं बाएं क्या ना आ जाए, एक। फिर सुन लो, रिपीट कर रहा हूँ, एक वर्गाकार आकृति प्लस के निशान पे काटे कितने वर्ग बाहर निकल के आएंगे, 5। वर्ग को गिनने का तरीका या तो सिंगल से गिना जाएगा या चार से मिलकर एक वर्ग बनेगा। अब आगे देखिएगा, एक दो क्वेश्चन और करवा दे दीजिए आपको, इससे आपके अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए, आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन ना रहे। देखिएगा स्क्वायर या वर्ग को देखिएगा ध्यान से, देखिएगा भाई, जैसे मैं छोटी आकृति बना दी, अबकी बार बड़े बना देने, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बना दिया। करिएगा, आपके लिए 2 मिनट का समय, उससे ट्राई कीजिएगा, 2 मिनट बाद में मैं खुद सॉल्यूशन बताता हूं आपको। क्या हुआ, चलो देखो, अरे कुछ नहीं करना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3 और 4, इधर से क्या लेना है, 4, इधर से क्या लेना है, 6। तो आप भूल जाओ इसमें क्या लिखा है, आप तो 6 और 4 को पकड़ लो, जब तक गुणा करो जब तक क्या ना आ जाए, 1। नहीं तो ऐसे होता है कैलकुलेशन, वास्तविकता में ऐसे कैलकुलेशन होता है, वास्तविकता में कैसे कैलकुलेशन होता है, ऐसे कैलकुलेशन होता है, चाहे तो ऐसे कर लो, नहीं मैं कहता हूँ ना, आप उसमें ध्यान ही क्यों देते हो। इधर आ जाएगा 4, इधर 5, इधर 3, इधर 4, इधर 2, इधर 3, इधर 1, 6 चौका 24, 5 तिया का 15, 4 दुनी का 8, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 26, 26 और 24 कितना होता है, 50। तो यहाँ से कितने वर्ग बाहर आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 50। यहाँ देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर से क्या लेना है, 7, इधर से क्या लेना है, 4, 7 गुना 4, 6 गुना 3, 5 गुना 2, 4 गुना 1, 7 चौक 28, 6 तिया का 18, 5 दुनी का 10, 4 एकम 4। देखिएगा ये हो गया 14, 14 और 18 होता है 32, 32 और 28 होता है 60, कितना वर्ग आ जाएगा, 60। यहां देखिएगा, 1, 2, 3, 4 और 5, 2, 3, 4 और 5, तो कोई दिक्कत नहीं, इधर से 5 लिए, इधर से 5 लीजिए, 5 गुना 5, 4 गुना 4, 3 गुना 3, 2 गुना 2, 1 गुना 1, 25, 4 16, 3 तिया का 9, 2 दुनी का 4, ये हो गया आपका, हो गया यहां से
20 और 10 30, 30 और 25 55 वर्ग आ जाएगा। कितना वर्ग आ जाएगा? 55। यहाँ देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 इधर से क्या लेना है भाई, 2 इधर से क्या लेना है, 7। तो 7 × 2 और 6 × 1 आगे जाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ जाएगा 0। किसी संख्या को 0 से गुणा करने से कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? नहीं, वो तो 0 हो जाएगा। 7 × 14 = 6 × 6 टोटल कितना वर्ग आएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20। यहां देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 2 और 3 इधर से ले लेते हैं, 3 इधर से ले लेते हैं, 8। 8 × 3 7 × 2 6 × 1 8 × 24 7 × 14 6 × 6 20 और 24 कितना होगा? 44 वर्ग आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 44। मेरे हिसाब से किसी को इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है क्या किसी को इसको लेकर? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। आराम से सॉल्व करना है बेटा, इधर से अंतिम अंक पकड़ना है, इधर से अंतिम अंक पकड़ना है, और जब तक आपको गुणा करना है जब तक कि उसमें एक ना आ जाए। अब एक चीज और समझिएगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक वर्गाकार आकृति प्लस के निशान पे काटे तो हमेशा 5 वर्ग बाहर निकलते हैं। कितने वर्ग बाहर निकलते हैं? 5। तो ध्यान से समझिए, ये होता आप नॉर्मली ये क्वेश्चनों को हर कोई बता देगा, जो असली क्वेश्चनों की जो मुलाकात होगी वो अब होगी। बिना ट्रिक वाले जो वर्ग है वो सबसे ज्यादा आपको समस्याओं का सामना करते हैं, सबसे ज्यादा मैं उन्हीं पे फोकस रहेगा। ध्यान से समझिएगा, जैसे ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया, ये आ गया मेरे पास, ऐसा क्वेश्चन आ गया, मैं सारे क्वेश्चन बना देता हूँ उसके साथ, फिर सॉल्व करेंगे एक साथ। लीजिए, खुद से भी ट्राई लगा दीजिएगा आप, कि आप खुद कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। खुद से ट्राई लगाइएगा, खुद से कोशिश करिएगा कि आप क्वेश्चन कर पाए। जैसे छठा सवाल आपके पास, हाँ मैं कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें, जो भी टाइप बनेगी वो सारे टाइप अपन लेंगे इसके अंदर। जैसे ये हो गया आपके, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये वाला बता दिया आपको, ये बनाई दिया आपके सामने। जैसे छठा सवाल आपके सामने मैं लू, ये ही ले लिया, चलो दिख रहा होगा आपको, इसमें वर्ग पूछ लेता है। सातवां सवाल एक बार और बना देता हूँ, किसी के डाउट रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। वर्ग याद करने हैं सब में, वर्ग भी बहुत क्वेश्चन लेंगे, घबराओ मत, अभी तो इसकी शुरुआत है। अभी इसकी शुरुआत है और भी क्वेश्चन लेंगे, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत क्वेश्चन है इनमें और भी लेंगे। जैसे ये हो गया, ये हो गया आपके, ये हो गया, जैसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ये वाला, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं।
ये बना दिया। 9 सवाल है आपके लिए, करिएगा कोशिश करिएगा। एक मिनट का टाइम है, ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। अगर एक 10वां सवाल मैं यहां पे लिखूं आपके सामने, इसमें ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो वर्ग बताइएगा। करिएगा, ट्राई करिएगा। करिए, ट्राई कीजिएगा। चलो चलो, टाइम खराब ना करते हुए अपने मुद्दे पर आते देखो। ये बात बताइए मुझे, ऐसी कोई आकृति होती कितने वर्ग बाहर निकलते हैं? 5। 1, 2, 3 और 4, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 5। अभी बताया था बेसिक में, तो 5 वर्ग तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, किसी को डाउट नहीं रहेगा। तो भैया यही तो है, ये इसमें एक्स्ट्रा यही तो लगाया, 5 और ये क्या हो जाएगा? 6। तो एक वर्गाकार आकृति से प्लस के निशान पे काटने पे 5 वर्ग तो वो निकलते हैं, ये ये वाला, तो 5 और ये कितना होगा? 6 वर्ग आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पे प्लस के निशान पे 2, एक तो अंदर ही रहा और एक बाहर ही रहा, तो एक प्लस के निशान से 5, तो 2 से कितना होगा? 10 और एक अंदर वाला ये, तो कितना वर्ग आ जाएगा बेटा? 11। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा कितने प्लस के निशान पे, 1, 2, 3, तो 1 की वैल्यू 5, तो 3 की कितनी होगी? 15। तो कितने वर्ग बाहर निकल के आ जाएंगे? 15। अब यहां समझिएगा, यहां प्लस का निशान 2 तक ही है भाई, कितने तक है? 2 तक, तो 2 तक है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 की वैल्यू 5, तो 2 की कितनी होगी? 10। पर एक एक्स्ट्रा ये वर्ग निकल रहा है, एक एक्स्ट्रा ये निकल रहा, तो 5 5 दूनी का 10 और 2 12, कितने वर्ग बाहर निकल के आ जाएंगे? 12। यहाँ पे देखिएगा 1, 2, 3, आगे प्लस का निशान नहीं जा रहा, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 5, तो 3 की कितनी? 15, और एक्स्ट्रा 2 वाले कौन से? एक तो ये वाला, एक ये वाला, तो 15 और 2 कितना होगा? 17 वर्ग। कितना वर्ग बाहर निकल के आएगा? 17। कितना आएगा? 17। अब यहाँ देखिएगा, एक वर्ग ये रहा, 1, 2 और 3, 3 वर्ग सबको दिख रहे हैं। अब ध्यान से देखिए बेटा, एक वर्ग ये बन रहा, देखो क्या होगा? 4। एक ये बन रहा है, ये 5, 5 वर्ग बाहर क्या है? कितने आएंगे? 5। यहाँ पे देखें, 1, 2, 3, 4, कितना? 4। ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7। अब ऐसे ही क्वेश्चनों को मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से और दिमाग से सोचिएगा। कितने भी आकृति हो, अंतिम दो अंकों को जोड़ दो, अंतिम अंक मेरे पास 2 है, इधर क्या है? 3, तो 3 और 2 कितना होगा? 5, तो 5 वर्ग बाहर के निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, अंतिम दो अक्षर क्या है? 3 और 4, 4 और 3 कितना होगा? 7, तो कितना वर्ग बाहर आ जाएगा? 7। यहाँ देखिएगा, 1, 2, 3 और 4, 5 और 6, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, इधर जोड़ेंगे तीन दोनों को क्या आ जाएगा? 11। 6 और 5 कितना होगा? 11 वर्ग बाहर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11। यहाँ देखिएगा, आप टेंशन मत लो, ये क्रॉस व्रॉस से हमें कोई मतलब नहीं। कितनी वर्ग आकार करते हैं? 1, 2 और 3, तो 1 की वैल्यू 5, तो 3 की कितनी होगी? 15। कितनी होगी बेटा? 15। ये 15 वर्ग बाहर आ गए। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन, 1 की वैल्यू कितनी है? 5, तो 3 की कितनी है? 15। एक्स्ट्रा 1, 2, 3 और 4, 15 और 4 कितना होगा? 19 वर्ग। क्या होगा? 19। मैं कह रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे हुआ हूँ मिलेंगे, अभी तो बहुत क्वेश्चन बाकी है, अभी तो अपन ने 10 क्वेश्चन किए, और भी क्वेश्चन अभी करेंगे, अभी देखिएगा क्या क्या अभी अपन इन क्वेश्चनों में देखते हैं, ठीक है? अभी तो शुरुआत है, अभी देखे जाओ क्या क्या करते हैं। स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, नहीं आगे बढ़ते हैं। देखो
ऐसे क्वेश्चन आ गए। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास है, एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा प्रचलन में है, ये वाला ध्यान से समझिएगा। चौथे नंबर का सवाल मेरे पास है, ए दो तीन, वर्ग बेटा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ये वर्ग है ना। पांचवा सवाल आपके पास, ठीक है। छठा सवाल मेरे पास है आपका, वर्ग है ना। सातवां सवाल मेरे पास है भाई, आठवां सवाल मेरे पास है भाई, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछने लग गया आजकल, मैटर को घुमाने लग गया भाई बहुत ज्यादा। तो चीजों को समझिए, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए ध्यान से समझिएगा। एक दो तीन, तो आप सीधा वर्ग कर दो, चाहे अंतिम खाने का अंतिम खाने से गुणा कर दो, सुविधा अनुसार देखना। एक का वर्ग, दो का वर्ग और तीन का वर्ग। बेटा मैंने कहा क्योंकि वर्ग तभी होगा जब खाने क्या हो, समान। तो यहाँ से आ जाएगा 1, 4 और 9, तो टोटल हो जाएगा 14 वर्ग। तो यह आ गया, मुझे पता है 5 यहाँ से आएगा, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, 20 ये और 14 ये, तो कितने वर्ग बाहर निकल के आ जाएंगे बेटा, 34। कितने वर्ग निकल के आ जाएंगे, 34। सेम यहाँ पे प्रक्रिया लगा दो, 1, 2, 3 और 4, 2 और 3, यहाँ पे वर्ग नहीं हो सकता, इधर 4, इधर क्या है 3। तो अपन को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, 4 गुना 3, 3 गुना 2, 2 गुना 1, 2 गुना क्या करना पड़ेगा 1। तो समझिएगा, 4 3 का 12, 2 3 का 6, 2 1 2, टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो ये आ गए भाई, 5 इधर से 5 इधर से, 5 और 5 10, 20 और 10 कितना होगा, 30 वर्ग बाहर निकल के आएंगे, कितना 30। तो आप इस क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने थोड़ी देर पहले इस संबंधित एक क्वेश्चन बताया था आपको, कहा था एक वर्गाकार आकृति प्लस तीन काटे तो कितने वर्ग बाहर निकल के आते हैं, 5। तो 5 तो ये निकल रहे, और एक एक्स्ट्रा देखो, ये एक डिब्बे की वैल्यू कितनी हुई, 6, कितनी हो गई, 6 हो गई ना, 6 6 2 का 12 6 3 का 18 और 6 4 का 24, 24 तो ये हो गए। और एक वर्गाकार आकृति ये वाली वाली, 24 और 5 कितना होता है, 29। तो कितने वर्ग बाहर निकलेंगे यहाँ से, 29 वर्ग बाहर निकलेंगे, कितने 29। अब इन चीजों को देख के कंफ्यूज मत हो जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इधर 3 इधर 3, तो 1 का वर्ग 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, 1 का 1 2 का 4 और 3 का 9, टोटल कितना आएगा, 14 हो गया, 1 2 3 और 4, 14 और 4 कितना होगा, 18। तो 18 वर्ग इधर से आ जाएगा, कितना 18। तो टेंशन मत लो, ये डिब्बों से कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा उन्हें जोड़ दो, 1 2 3, 1 2 और 3, तो सेम अभी 14 निकाला था ना, क्यों एक्स्ट्रा खराब कर रहे हो, 14 इधर से आ गया, 1
तीन और चार, 14 और 4 कितना होगा 18 वर्ग, कितना आ गया 18 वर्ग आ गया, कितना आ गया 18। यहाँ देखिए कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो यहाँ से कितने वर्ग बाहर निकल के आएंगे 7। सर और एक समझाइएगा, जैसे ये क्वेश्चन और ले लिया मैंने, इसमें लिया 1, 2 और 3, तो कितने वर्ग बाहर निकल के आ जाएगा 3। तो आप कुछ नहीं अंक डालना, सीधा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने SSC बैंक वगैरह में देखा है। यहाँ देखिएगा, गिन के बताऊं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 तो सबको दिख रहे हैं भाई, पर एक बात बताई बता सी हो गया, ये वाला ये देखो, ये हो जाएगा 11 बटा, ये वाला क्या हो जाएगा 12 बटा, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 13। तो कितने वर्ग बाहर निकल के आए मेरे भाई 13, कितना निकल के आया 13। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं ट्रिक बताऊंगा, घबराओ मत। एक बात सुनो, जितने डिब्बे हैं ना, जितने डिब्बे हैं उनसे एक कम घटा दो, डिब्बे कितने हैं आपके पास 3 है तो घटा देना 2, घटा कितना देना 2, अगर डिब्बे 4 है तो घटा कितना देना 3, 5 है तो घटा कितना देना 4। जैसे ये डिब्बे हैं 1, 2 और 3, एक डिब्बे की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 किया था 15, डिब्बे 3 है तो घटा कितना 2, तो कितना फर्क 12 आएगा 2। सर 2 क्यों घटा है, अरे ये 7 दो बार काउंट हो रहा है और 4 दो बार काउंट हो रहा है, यहाँ पे डिब्बे गिनो 1, 2 और 1, 3 और 1, 4, एक डिब्बे की वैल्यू कितनी है, एक डिब्बे की वैल्यू कितनी है 5, 5 चौक 20, 4 है तो घटा कितना 2, 3, कितना आएगा 17, कितना आ जाएगा 17। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। हम एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, जो आपसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हर एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कोई विवाद आपके दिमाग में ना रहे, हर एक क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो जाएगा। मान लो सवाल ऐसे आ गया तो इसमें 11 नंबर का तो 9 नंबर का सवाल है ना, सवाल ऐसे जो भी नंबर है आपका, जैसे ऐसे ये आ गया सवाल, आपने इसमें प्लस का ऐसे बना दिया, इसमें स्क्वायर बना दिया, एक सवाल तो मेरा ये है, एक सवाल मेरा ये है, दो ही सवाल है हमारे पास। समझने की कोशिश करना, वर्ग है ना, तो टेंशन मत लो, आप तो वैल्यू निकालो 1, 2 और 3, 1 की वैल्यू कितनी है 5, खाने कितने हैं 3, 5 दिया था 15, 15 तो ये हो गए भाई, 15 ही हो गए, तो डिब्बे 3 है तो घटा कितना 2, 2, 15 में से 2 जाएगा, कितने वर्ग बाहर आएंगे 13। अब आप ये बताओ यहाँ से 5 आएगा तो 4 आएगा, अरे दादा भाई 5 तो मैं गिन चुका हूँ, तो 1, 2, 3 और 4, यहाँ से 4 आएगा क्योंकि ये 5 में तो मैं गिन चुका हूँ इसको पूरे में, तो 4 इधर से और 4 इधर से, 13 और 8 कितना होता है 21 वर्ग बाहर निकल के आना, कितने 21। अगर इसमें वर्ग पूछ ले तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 1, 2, 3, 4 और 5, कितने वर्ग बाहर निकल के आएंगे 5, कितने निकल के आएंगे 5। तो आपको कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो मुझे आप सेंड करिएगा, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ूंगा, बेसिक से हाई लेवल तक जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में बन रहे होंगे उन सब क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।